पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरी लाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। भारतीय चुनाव आयोग ने 9 राज्यों के 12 सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 3 सितंबर को मतदान होगा और यदि मतदान होता है तो उसी दिन शाम को चुनाव परिणाम भी आ जाएगा, और यदि 26 और 27 अगस्त जो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, अगर सीट से अगर उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा नहीं हुई तो उस राज्य का चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित हो जाएगा। 3 राज्य बिहार, महाराष्ट्र और असम में 2-2 सीटें खाली हुई हैं, वहीं 6 अन्य राज्यों में 6 सीटें खाली हुई हैं, यानी कुल 12 सीटों पर चुनाव होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होने जा रहा है तो क्षेत्रीय दलों को होने जा रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सीटें थी जो शायद बढ़कर 10 तक पहुंच सकती है। कांग्रेस के पास 2 सीटें थी जो घटकर 1 पहुंच सकती है। वहीं क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय जनता दल और बीजू जनता दल, भारतीय राष्ट्र समिति BRS को पूरा नुकसान होने जा रहा है। अब इसे हम समझते हैं कि ये चुनाव आखिर होने क्यों जा रहा है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सांसद चुन कर आए हैं लोकसभा में, ये राज्यसभा के सांसद हैं। इसमें BJP के 7 सांसद हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल और सर्बानंद सोनोवाल। इसके अलावा 4 अन्य सांसद हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के 2 सांसद राज्यसभा के जो थे वो लोकसभा से जीत के आए हैं। राजस्थान से केशु वेणुगोपाल सांसद हुआ करते थे, जो अब केरल से लोकसभा के लिए जीत कर आए हैं। वहीं हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद थे और उसी राज्य से लोकसभा की सीट से जीत कर आए हैं। इसके अलावा 2 सीटें ऐसी हैं जहां सांसदों ने इस्तीफा दिया है, जैसे तेलंगाना के BRS से के जो राज्यसभा सांसद थे KKV, उन्होंने चुनाव बाद इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देकर वह कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल से ममता मोहंता राज्यसभा सांसद हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ऐसे में इन 2 सीटों पर भी उपचुनाव होना है, यानी कुल 12 सीटों पर उपचुनाव होना है। अब यदि हम राज्यवार इसको अगर देखें तो महाराष्ट्र से जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, एक पीयूष गोयल की और एक BJP के अन्य सांसद की, वहां की स्थिति को देखते हुए, और सबसे मजे की बात क्या है कि सबके कार्यकाल अलग होने के कारण सभी सीटों के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि सभी के कार्यकाल अलग अलग हैं। ऐसे में ये दोनों सीटें BJP के खाते में जाना तय माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम असम की बात करें, वहां से भी सर्बानंद सोनोवाल सहित जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, वहां भी BJP की विधायकों की स्थिति को देखते हुए यह दोनों सीटें BJP के पक्ष में जा सकती हैं। बिहार में 2 सीटें खाली हो रही हैं, एक BJP के विवेक ठाकुर की और दूसरी राष्ट्रीय जनता दल RJD उम्मीदवार मीसा भारती की। लेकिन वहां पर भी उसी आंकड़े और फार्मूले के तहत यह दोनों सीटें NDA खेमे में जाता हुआ दिख रहा है। जहां तक NDA खेमे का सवाल है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा काराकट लोकसभा चुनाव से हार गए थे और हारने के बाद जब उनसे पूछा गया था कि कहां चूक हुई, तो उन्होंने कहा था कि कहां चूक हुई, क्यों चूक हुई, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, इस पर न जानना ही बेहतर है, क्योंकि सबको पता है कि किसने क्या किया। दरअसल वो अपने साथ हुए भीतरघात का मुंह बंद करके ही जवाब दे दिए थे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को 1 राज्यसभा का सीट सौंप सकती है। दूसरी सीट के उम्मीदवार की घोषणा अभी होनी बाकी है। ऐसे में RJD को वह सीट नुकसान हो रही है। अब अन्य राज्यों में देखें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वहां से KC वेणुगोपाल जीत कर आए थे।
अब वहां बीजेपी की सरकार है, ऐसे में वहां से बीजेपी का चुना जाना तय है। वही स्थिति हरियाणा में भी है। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के आए थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा से जीत के आए थे और लोकसभा में भी जीते हैं, बावजूद इसके वहां विधायकों की संख्या को देखते हुए वह सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी। ऐसे में कुल 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इसमें वह सीट भी शामिल है जो उड़ीसा की है, जहां बीजू जनता दल की ममता महंता ने इस्तीफा दिया है और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। इसके अलावा तेलंगाना में के केशव राव ने जो इस्तीफा दिया है बीआरएस से और वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस शायद उनको फिर टिकट देगी और वह जीतेंगे। अब यहां देखना बड़ा यह दिलचस्प है कि जहां आरजेडी, बीजू जनता दल और बीआरएस को नुकसान हो रहा है, वहीं बीजू जनता दल और बीआरएस से जो सांसद हुआ करते थे उनका शायद नुकसान न हो, क्योंकि बीजू जनता दल की जो सांसद हुआ करती थी ममता महंता, उनको ही शायद बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। और वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में जो बीआरएस के सांसद के केशवराव हुआ करते थे उनको शायद इस दफे कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में तीन उम्मीदवारों के बारे में कहा जा सकता है कि जिनकी संभावना है को राज्यसभा में देखे जा सकते हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा, के केशवराव और ममता मोहंता। बाकी 9 सीटों के लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कल फिर इसी समय में मिलूंगा सत्येंद्र प्रताप सिंह पर्दे के पीछे लेकर।